डीसी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। आज टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट थर्ड का, डीस इकोनॉमिक्स क्या होती है। इससे पहले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो हम करते हैं उससे इकोनॉमिक्स क्या क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे डीस इकोनॉमिक्स के बारे में, उससे कौन कौन से हमें डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता क्या है। जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ज्यादा से ज्यादा फैक्टर से, जैसे कि हमने मोर लेबर्स का यूज किया, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, मोर मशीन वर्क, लेबर की जगह हम ज्यादा मशीन का यूज करते हैं, तब हम जी इन चीजों का यूज करके हम ज्यादा से प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन से जहां हमें इकोनॉमिक्स होती है वहां हमें डिस इकोनॉमिक्स भी होती है। अब हम डिस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के बाद अब टॉपिक है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो हम प्रोडक्शन यूनिट का जो साइज होता है उसी को स्केल ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जब प्रोडक्शन यूनिट का साइज हम लोग इंक्रीज करते हैं तो एक लिमिट के बाद हम जो उसको इंक्रीज करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि इसका मतलब क्या, इट मींस टू ऑल दोज लॉसेस व्हिच एक्रू टू द फर्म ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ देयर आउटपुट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। जब एक सर्टेन लिमिट के बाद हम आउटपुट में इंक्रीज करते हैं जो हमारी फर्म है जो उसके इकोनॉमिक्स है वो डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम डिस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब ये हमारी दो टाइप्स की होती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। जो हमारा प्रोडक्शन है वो अगर सर्टेन लिमिट के बाद, आउटपुट जो सर्टेन लिमिट के बाद अगर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो जो हमारी कॉस्ट है वो प्रोडक्शन स्केल ऑफ प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनेट ज्यादा बढ़ती है। जितना हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं होता, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, वो एक फर्म को जो होता है नुकसान उसको बोलते हैं इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है इनएफिशियंट मैनेजमेंट। इनएफिशियंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जो ओनर्स है, जो फैक्ट्री के ओनर्स है और जो वर्कर्स है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने से बढ़ता चला जाता है। ज्यादा डिस्टेंस होने से लॉकआउट है, स्ट्राइक्स है या क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो सारी प्रॉब्लम्स वर्कर्स और ओनर्स दोनों के बीच बढ़ जाती है, जिससे जो मैनेजमेंट है वो डिसमैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक हमारे एफिशियंट मैनेजमेंट था वो इनएफिशियंट में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके बीच डिस्टेंस बढ़ने से। अब सेकेंड है टेक्निकल डिफिकल्टीज। टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या है, जैसे कोई हम मशीन है, मशीन की कोई कैपेसिटी है वो एक लिमिट तक काम कर सकती है, अगर हम ज्यादा उससे लोड लेंगे, ज्यादा उससे करेंगे काम, उससे वर्क ज्यादा लेंगे, लोड ज्यादा लेंगे, तो जो हमारी इकोनॉमी से वो डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब उस पर रिपेयर चार्जेस है, डेप्रिसिएशन है, उसे पावर ज्यादा कंज्यूम होने लग जाएगी, इस तरह से टेक्निकल डिफिकल्टीज ज्यादा बढ़ जाएगी। और थर्ड है प्रोडक्शन डिस इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं एक लिमिट के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या है, जितना हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, स्केल ऑफ मतलब प्रोडक्शन तो उतना बढ़ नहीं रहा है लेकिन जैसे कॉस्ट है वो कॉस्ट उससे ज्यादा इंक्रीज हो रही है बहुत सारी चीजों के कारण, बहुत सारी हमें डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती है इसके कारण। बाकी फोर्थ है मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स। जो हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है या ओवरहेड कॉस्ट है, वो पर यूनिट इंक्रीज हो जाती है, एक लिमिट तक तो वो इंक्रीज नहीं होती अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले वो जो हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर यूनिट है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। आगे फिफ्थ है फाइनेंशियल डिस इकोनॉमिक्स। अभी तक जब हमारा जो प्रोडक्शन था अभी कम लेवल पे था तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपने खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लेकिन जब फाइनेंशियल जब हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो हमें बाहर के एक्सटर्नल फाइनेंस पे डिपेंड रहना पड़ जाएगा, और डिपेंड रहेंगे तो हमारा जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और भी डिफिकल्टीज बढ़ेगी, इसके कारण हमारी जो डिस इकोनॉमिक्स है वो डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स, अब है एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। इंटरनल थी जो एक फर्म को होती है जो हम प्रोडक्शन एक लिमिट के बाद बढ़ाते हैं, और एक्सटर्नल जो होती है वो पूरी इंडस्ट्री को होती है। देयर आर नॉट ओनली दीज आर नॉट ओनली सफर्ड बाय ए सिंगल फर्म बट ऑल फर्म्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सारी के सारी जो फर्म्स होती है सबको होती है ये। दीज अराइजेस ड्यू टू मच कंसेंट्रेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज। अगर हम एक स्टेज के बाद
जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा आ जाएगी, मतलब जो फर्म है इंडस्ट्री में ज्यादा आ गई, या प्रोडक्शन जो फर्म्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, तो जो है उसके ज्यादा कंसेंट्रेशन और लोकलाइजेशन के कारण, फर्म्स के कारण जो हमारी इकोनॉमी है वो डिस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी हमें डिसएडवांटेज होने लग जाते हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारी इकोनॉमीज कौन कौन सी है, सबसे फर्स्ट है डिस इकोनॉमीज ऑफ पोल्यूशन। अभी तक जो हमने अपनी जो फर्म है उसके स्टैंडर्ड फिक्स किए होते हैं, एयर पोल्यूशन का स्टैंडर्ड या वाटर पोल्यूशन का स्टैंडर्ड, और अब जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने थे वो जो स्टैंडर्ड है वो हमारे टूट जाते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड को क्रॉस कर जाते हैं, जिससे एयर और वाटर दोनों ज्यादा पोल्यूटेड होने लग जाते हैं, हम उसमें कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और सेकेंड है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्ट्रेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, जितना बियॉन्ड जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बर्डन है वो ज्यादा हो जाएगा, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स है उसकी जो लोडिंग अपलोडिंग दोनों में बहुत डिले होने लग जाएगा, बहुत डिले होने से उनकी जो डिमांड है ट्रांसपोर्टेशन की वो बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ने से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो हमें इनएफिशियंट जो है ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और जो हमारे फैक्टर आगे थर्ड है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ हाई फैक्टर प्राइजेस। और जो हमारे फैक्टर ऑफ प्राइजेस कौन कौन से, रॉ मटेरियल है जैसे हमारे लेबर है, अभी तक जो हम लेबर का यूज कर रहे थे स्किल्ड लेबर का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे जो हमें लेबर्स है लेबर्स की स्कार्सिटी हो जाएगी, मतलब लेबर हमें ज्यादा नहीं मिलेगी अच्छे एफिशिएंट, तो हमें क्या होगा इनएफिशिएंट लेबर उसको भी लेने पर हम मजबूर हो जाएंगे, तो हमारा जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी रखना पड़ेगा, और जो हमारे रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल की जो सोर्सेस है जहाँ से हम मंगवा रहे थे वो भी बहुत कम हो जाएंगे, और जो हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारा क्या है जो कॉस्ट है फैक्टर प्रोडक्शन उतने ही है लेकिन हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी उनके डिमांड भरने से, और जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है लेकिन हमारा जो मार्केट प्राइस है प्रोडक्शन का वो हमारा नहीं बढ़ेगा, तो हमारा क्या प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इस तरह से ज्यादा अगर हम एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो हमारी जो डिस इकोनॉमिक्स है वो डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स को पढ़ा, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं उसे इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स होती है। अब हमें ये पढ़ना है कि हमें अपना प्रोडक्शन कहाँ तक करना चाहिए जिससे हमें ये इकोनॉमिक्स जो हमारे डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट ना हो, इसको हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। कॉन्क्लूजन, जैसे कि हमारा वाई ओ एक्स है, ठीक है, इस पर हमारी कॉस्ट है या हमारा प्रोडक्शन, तो हमें कितना अपना स्केल रखना चाहिए। जैसे कि हमारा कॉस्ट कर्व है, कॉस्ट कर्व हमारा बनता है ऐसे, एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमारी होती है स्टेज फर्स्ट, ये होती है सेकंड, और यहां पे है स्टेज थर्ड। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है यहां पर हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के कारण जो हमारा कॉस्ट कर्व है, जो कॉस्ट कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स दोनों बराबर हो जाती है, हमें डिस इकोनॉमिक्स यहां से शुरू होती है, यहां से हमें डिस इकोनॉमिक्स होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमें अपना प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज से आगे बढ़कर सेकंड स्टेज में करना चाहिए, क्योंकि थर्ड स्टेज में हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो डिस इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें इसके बाद इस पॉइंट के बाद ए बी के बाद हमें प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें एक डिस इकोनॉमिक्स मिल रही है।